Topic is global warming, the phenomenon in which the average temperature of the earth increases due to the presence of greenhouse gases like carbon dioxide, methane, ozone gases is called global warming. जब कभी जमीन पर मामूल के टेम्परेचर में यानी दर्ज हरारत में इजाफा होता है तो हम उससे ग्रीन हाउस ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। इस ग्लोबल वार्मिंग में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन गैसेस और ओजोन गैसेस का इजाफा होता है। इफेक्ट्स ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग, इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑन द अर्थ ऑफ द अर्थ, वार्म विंटर, इनफर्टाइल लैंड्स, इफेक्ट ऑन एनिमल्स एंड फ्लडिंग ऑफ आइलैंड्स एंड कोस्टल एरिया। Increase in the average temperature of the earth, it is due to the global warming. Global warming and the greenhouse effect has leads to severe changes in the climate of the earth. An increase in the global temperature, which can severely affect the biodiversity on the earth. One of the major consequences is the melting of ice caps on the earth. चूँकि बच्चों ग्लोबल वार्मिंग से ज़मीन पर दर्ज हरारत में इजाफा होने की वजह से क्लाइमेट पर भी यानी माहौल में आब हवा पर भी असर पड़ता है और जिससे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं यानी ग्लोबल वार्मिंग टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है और जिससे बहुत सारे जानदारों पर असर पड़ता है। One of the major consequences is melting of ice caps. सबसे बड़ा एक नतीजा यही निकलता है कि कुतबेन पर आइस कैप्स पिघल जाते हैं और जिससे सैलाब आने का खतरा रह जाता है। Warmer winter, number two, सर्दी के मौसमों में गर्मी में इजाफा होना। The winter season in many places on the earth has decreases due to the global warming. बहुत सारी जगहों पर गर्मी के मौसम में सर्दी के मौसम में गर्मी ज़्यादा होती है। It is due to the increase in the temperature, that is due to global warming. Infertile lands, many irrigational areas can become infertile for agriculture due to the change in the weather conditions of the place. बहुत सारी जगह जहाँ पर irrigation areas यानी infertile बन जाते हैं यानी उनमें ज़रखेज़ ख़त्म हो जाती है due to the change in the global warming, global temperature. Therefore, it also affects the agriculture pattern और agriculture pattern पर भी असर पड़ जाता है। एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड ऑल ओवर द वर्ल्ड और पूरे दुनिया में ज़रात पर यानी एग्रीकल्चर पर असर पड़ता है। इफेक्ट ऑन द एनिमल्स, एनिमलों पर भी इस पर असर पड़ता है। जैसे द माइग्रेशन एंड द हाइबरनेशन ऑफ मैनी एनिमल्स आर इफेक्टेड ड्यू टू द चेंज इन द क्लाइमेट ऑफ द अर्थ। बहुत सारे जानवर एक जगह से दूसरी जगह हिजरत करते हैं क्योंकि गर्मी की शिद्दत वो बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं या तो मर भी जा सकते हैं या एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं और जिसकी वजह से इन की नस्ल पर मतलब नायाब हो जाते हैं। और ग्लोबल वार्मिंग कैन ऑल्सो लीड टू द एक्सटेंशन ऑफ मैनी एनिमल्स बिकमिंग देयर इनएबिलिटी एडॉप्शन अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट, क्योंकि उनको गर्मी की शिद्दत की वजह से रहने के लिए जगह नहीं है इसलिए वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। फ्लडिंग ऑफ आइलैंड्स एंड कोस्टल एरियाज, जजीरों में और समंदर के साहली इलाकों में ज़्यादातर सैलाब आने का खतरा रह जाता है जिससे द मेल्टिंग ऑफ आइस कैप्स हैज़ रिजल्ट इन सी लेवल ऑल ओवर द वर्ल्ड। जैसे
कुदपेन पर जब बर्फ पिघल जाती है तो ये सीधे आइलैंड्स और कोस्टल एरियाज में पानी की शिद्दत बढ़ जाती है और जिसे सैलाब आने का खतरा रह जाता है।